हाय गाइस, वेलकम टू होम ऑफ हीरोज। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दी अंडरटेकर से रिलेटेड, उनके रेसलमेनिया मैच से रिलेटेड और एक जबरदस्त शॉकिंग अपडेट को लेकर। तो वीडियो आप एंड तक जरूर देखें। तो दोस्तों, हम सब ने अंडरटेकर को लास्ट मैच में देखा था रेसलमेनिया 33 में, जिसमें वो मेन इवेंट मैच में रोमन रेंज से हार के बाद अपना सिग्नेचर हेट कोट और ग्लव्स रिंग में रख के चले गए थे, जिससे हम सबको ये लगा कि वो रिटायर हो गए हैं। पर फिर हमें लगा ऐसा सोचना गलत होगा, क्योंकि ना तो WWE ने और ना ही अंडरटेकर ने कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट करी कि वो रिटायरमेंट लेकर चले गए हैं। और हमने रो की 25th एनिवर्सरी पर भी अंडरटेकर आए थे और उन्होंने रिटायरमेंट के बारे में कुछ नहीं कहा था, और अगर वो असली में रिटायर हो गए होते तो कहीं ना कहीं इसका जिक्र ज़रूर करते। तो कंफर्म है कि टेनमैन रिटायर नहीं हुए हैं। अब बात यह आती है कि पिछले रेसलमेनिया पे उन्होंने अपने अटायर छोड़ क्यों दिया, उसका मतलब क्या था? तो फ्रेंड्स, मेरे हिसाब से ऐसा करने के पीछे ये मतलब था कि अंडरटेकर अपना टेनमैन वाला गिमिक छोड़ रहे हैं। अब इसके पीछे रीज़न हो सकता है कि अंडरटेकर रेसलमेनिया में अपने टेनमैन वाले गिमिक के साथ एक बार नहीं दो बार हार गए थे, तो उन्होंने ये गिमिक छोड़ दिया। उसके बाद रॉ की 25th एनिवर्सरी पे भी वो डेडमैन वाले गिमिक में नहीं आए थे। तो अब हो सकता है कि हम अपने 15-20 साल पहले वाले अमेरिकन बैडएस वाले रूप में दिखें। इस रूप में वो एकदम अलग थे, अलग थीम सॉन्ग, अलग एंट्री थी, बाइक पे एंट्री लेते थे और फिनिशर भी टॉमस्टोन पाइल ड्राइवर नहीं यूज़ करते थे, वो यूज़ करते एक ऐसा फिनिशर जिसका नाम था लास्ट राइड। और अब दूसरा कारण क्या है वो भी मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। एक और ऐसा कारण जिससे हम कह सकते हैं ये अंडरटेकर अपने अमेरिकन बैडएस वाले रूप में आएंगे, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो इस बार आपको पता होगा रेसलमेनिया हो रही है न्यू ऑरलियंस लुजियाना में, और सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए लुजियाना बॉक्सिंग एंड रेसलिंग कमीशन ने पाइल ड्राइवर को इस बार के रेसलमेनिया में पूरी तरह से बैन कर दिया है। तो इस बार अंडरटेकर के मैच में फिनिशर के लिए लास्ट राइड ही बचा है। तो एक और कारण है कि अमेरिकन बैडएस वाले गिमिक में वापस आया अंडरटेकर, क्योंकि मेन इवेंट में है। तो सबसे पहले आप रेसलमेनिया में जिस मैच के लिए इंतजार कर रहे हैं अंडरटेकर वर्सेस जॉन सीना के, उस मैच को आप सबसे पहले भूल जाइए। अब हम अंडरटेकर एक नई जगह पर रिटर्न करा सकता है WWE। तो हो सकता है दोस्तों डब्ल्यू द यूनिवर्सल टाइटल के मैच में जो हो रहा है रेसलमेनिया में रोमन रेंस वर्सेज ब्रॉक लेसनर के बीच, और हो सकता है उस मैच में अंडरटेकर अपना बदला लें रोमन रेंस और ब्रॉक लेसनर से 23-2 का। दोस्तों एक और बात, अगर यूनिवर्सल चैंपियन बनते हैं अगर अपने डेडमैन वाले गिमिक में तो टाइटल उन पर बिल्कुल जचेगा नहीं, और अगर वो बनते हैं अमेरिकन बैडएस वाले रूप में तो उस सेकंड पर टाइटल सूट करता है। पर ये तो सिर्फ एक थ्योरी है दोस्तों, असल में क्या होगा वो तो हमें आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। और आपको क्या लगता है क्या हो सकता है, अगर होता है तो कौन जीतना चाहिए इस मैच में, जो कुछ भी लगता है प्लीज़ कमेंट करके बताइए। और मुझे पूरा भरोसा है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो लाइक ज़रूर करें। और अगर ऐसी WWE अपडेट्स आप हिंदी में जानना चाहते हो तो फिर सब्सक्राइब ज़रूर करें और उस नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें, ताकि आप मेरा कोई भी वीडियो मिस ना करें। थैंक यू।